ये BDS का वाइवा नहीं है कि मतलब कोई भी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं आता नोजिया डायरिया ये जो पेशेंट बेहोश हुआ है या कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई डिपार्टमेंट है बस पेशेंट की टांगे ऊपर कर दो ये सीरियस है डॉक्टर फिजान आई होप आप सब लोगों ने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी भी है जिसमें मैंने किया हुआ है कि सिर्फ डेंटल सब्जेक्ट्स पढ़ाना काफी नहीं है बिजनेस साइड ऑफ डेंटिस्ट्री भी पढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि हर बंदा जो है वो एकेडेमिक्स के अंदर नहीं जा सकता और ना जा पाता है और ना जाना चाहता है तो अगर नहीं देखी वो तो पहले वो जाके देख ले तो इस वीडियो में अब ये बात कर लेते हैं कि डेंटल क्लिनिक कब खोलना है कैसे खोलना है ये सब कुछ देखिए सबसे पहले तो आपको क्लिनिक यूफोरिया से बचना है कि मतलब आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतना जबरदस्त क्लिनिक खोलूंगा कि मतलब बिल गेट्स ख़ुद चौपर लेके आएगा लैंड करेगा छत पे और मेरा मुझसे काम करवा के फिर वापस जो है अमेरिका चले जाएगा ये मेरा क्लिनिक इतना खूबसूरत बनाऊंगा कि लोग कहेंगे कौन कैटरीना कैफ कौन कैटरीना कैफ मुझे तो क्लिनिक के साथ तस्वीर खिंचवानी इतना खूबसूरत क्लिनिक है मेरा और ये बहुत असल प्रॉब्लम है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बहुत आसान है कैरिड अवे होना कि यार मैं बस सबसे बेस्ट कर लूँ लेकिन इसकी वजह से दो मसले होते हैं एक आपने इतना पैसा लगा दिया है तो अब आपको पूछता आपसे क्लिनिक यार खोलने में कितने पैसे लगते हैं आप कहते हैं यार ये इतने पैसे लगते हैं अब वो डिस्करेज होता है कि यार इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास जितने चाहिए क्लिनिक खोलने के लिए दूसरा मसला ये है कि क्लिनिक जो है अगर आपका पहले साल नहीं चलता जो कि वैसे भी नहीं चलता इतनी जल्दी लेकिन आपको रेंट तो देना है सैलरी तो देनी है और भी चीज़ें खर्चे तो निकालने उसके पैसे तो बचे नहीं आपके पास क्योंकि आपने सारे लगा दिए नए सोफे लेने में यहाँ पे आता है मेरा रोल कि मैं आपको बताऊँ कि क्या लेना है क्या नहीं लेना और कब लेना है एक्चुअली पहले तो ये बताना जरूरी है कि जो लेना है वो क्यों लेना है देखिए क्लिनिक जो है ना वो एक बिजनेस है पहले उसको रनिंग वर्किंग कंडीशन में आना ज़रूरी है बाद में खूबसूरती वाले काम हो जाएंगे क्लिनिक का वेल well इक्विप्ड होना साफ होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खूबसूरती से लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे पता है कि जब इतने साल पढ़ते हैं तो जब ग्रेजुएट होते हैं तो बस सोचते हैं कि यार बस जितनी जल्दी क्लिनिक खोल सकता हूँ वो खोल लूँ मैं इंतज़ार नहीं हो रहा होता कि यार मुझे बस अब तस्वीर खींचनी है और इंस्टाग्राम पर लगानी है योर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट एंड इम्प्लान्टोलॉजिस्ट लेकिन इस वक्त प्लीज़ एक स्टेप पीछे लें और ये सारे सवाल अपने आप से पहले पूछें क्या मुझे बीपी लेना आता है क्या मुझे एक्सरे लेना आता है क्या मैं कोई भी नॉर्मल जो केसेस हैं वो ट्रीटमेंट प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक ख़ुद अकेले कर लेता हूँ क्या मुझे मेडिकल इमरजेंसी जो मोस्ट कॉमन है उनको हैंडल करना आता है ये बी का वाइवा नहीं है कि मतलब कोई भी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं आता नोजिया वामिटिंग डायरिया ये जो पेशेंट बेहोश हुआ है या कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई डिपार्टमेंट है बस पेशेंट की टांगे ऊपर कर दो ये सीरियस है अगर पेशेंट का जॉ लॉक हो जाए तो उसको कैसे ठीक करते हैं कभी किया है आपने कभी देखा है किसी को करते हुए पता है आपको कैसे करते हैं क्या आपको पैसे का हिसाब किताब कॉस्टिंग वाली चीज़ आती है अगर इनमें से कुछ चीज़ों के जवाब नहीं है तो पहले बेसिक्स ठीक कर लें पहले किसी क्लिनिक पर अटैचमेंट कर लें थोड़े दिन ताकि ये सब चीज़ें सीख लें वहां से क्योंकि जब भी कोई पेशेंट की बात आती है ना मुझे कोई रिस्क लेना ही नहीं है और ना आपको लेना चाहिए मैंने ग्रेजुएशन के पाँच साल बाद जाके क्लिनिक खोला था पहले पाँच साल मैं अपने प्रोस्तों के पेशेंट्स प्रोस्तों के एच क्लिनिक पे जाए करता था सर्जरी के पेशेंट्स सर्जरी के एच के जाके क्लिनिक पे करता था एंडो के पेशेंट्स एंडो के एच के जाके क्लिनिक पे करता था जब मुझे काम थोड़ा बहुत आ गया मैं कॉन्फिडेंट हो गया डांट वांट खाली प्रॉब्लम जो इंकाउंटर होने क्लिनिक के अंदर वो मुझे आ गए तब मैंने अपना क्लिनिक खोल लिया तो आई वुड एडवाइस कि अगर आपने शुरू से ही सेफ और क्वालिटी डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करनी है तो ग्रेजुएशन के बाद एक दो साल पहले कहीं लगा लें कम से कम एक, एक साल ही किसी और क्लिनिक पे लगा लें ताकि अब ये चीज़ें सीख लें ताकि आप वेल राउंडेड हाई क्वालिटी सेफ़ ट्रीटमेंट देने वाले कॉन्फिडेंट डेंटिस्ट बने शुरू से इसका एक और फ़ायदा भी है अभी मैंने बताया कि पहले एक दो साल को खास पेशेंट नहीं होते तो आपने रेंट क्यों देना है खर्चे क्यों देने हैं सैलरियाँ है क्यों देनी है किसी और क्लिनिक पे काम करें अपना पेशेंट फ्लो डेवलप करें खर्चा आपका ज़ीरो है प्रॉफिट आपको मिलता रहता है क्योंकि आप जाते ही तब है जब आपका पेशेंट होता है जब अच्छे खासे पेशेंट बन जाएँ क्लिनिक खोल लें अब देख लेते क्लिनिक खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं लोकेशन देखें बहुत ज़रूरी है शुरू में आप किसी पब्लिक जगह या कोई कमर्शियल एरिया में क्लिनिक खोलेंगे जहाँ पे लोगों की आमद और रफ्त हो हज़ारों लोग आगे पीछे से गुजर रहे हैं कहीं करीब में फ़्लैट्स भी हैं तो मार्केटिंग भी हो रही है साथ साथ लोग देखते हुए जाते हैं अच्छा यहाँ पर क्लिनिक है यहाँ पर क्लिनिक है दूसरा जब इतने लोग गुजरेंगे तो एक आध बंदा तो आ सकता है ना और वही आपको एक बंदा चाहिए एक से ही सारे पेशेंट स्टार्ट होते हैं ये प्लीज याद रखें कि यूजुअली जो है जो बहुत ज्यादा कंजस्टेड जगह होती है जहाँ बहुत लोग होते हैं वहाँ कोई पार्किंग की खास जगह नहीं होती और अगर ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है और सिर्फ आप हैं तो वहाँ पार्किंग अनलिमिटेड आपके पास होगी लेकिन वॉक इन का कोई खास रिवाज नहीं होगा जगह कम अज कम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसके अंदर एक कंप्रेसर रूम स्टेलाइजेशन रूम वेटिंग रूम बाथरूम और एक्चुअली सर्जरी रूम ये हों अब आ जाए इस बात पर क्लिनिक का बोर्ड कैसा होना चाहिए लेकिन सिंपल से बोर्ड होने चाहिए जो इजी टू रीड हो जो भी सामने से गुजारो एक सेकंड लगाए और देख ले कि अच्छा ये डेंटल क्लिनिक है डेंटल अगर लिखा तो और भी अच्छा है ताकि लोग ये ना समझें कि कोई फेफड़े का जो है वो अस्पताल है और सिंपल मिनिमम चीजें लिखी हुई कंफ्यूज ना करने लोगों को पचास चीजें लिख दें इसके ऊपर कि भाई ये डॉक्टर साहब पैदा हुए फिर ये माइग्रेट कर गए इतना टाइम किसी के पास नहीं है अच्छा मुझे इससे एक और बात याद आई प्लीज़ देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा के वास्ते मत करें ताकि हम लोग जो है ना अपने डेंटल कम्युनिटी जो है वो अपनी इज्जत बरकरार रखे खुदा के वास्ते खुदा के वास्ते पी एम डी सी एक्स हाउस ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स एंड ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री फर्स्ट पोजिशन इन टेबल टेनिस कॉम्पटिशन बिटवीन फैकल्टी एंड हाउस ऑफिसर ये आपकी डिग्रियाँ नहीं है खुदा के वास्ते खुदा के वास्ते मत लिखे दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल आपने लिखना है लिख लें कोई आपको जेल नहीं भेज देगा लेकिन दुनिया में कहीं नहीं होता ये अब बात कर लेते कौन कौन सी चीज़ें आपको बेसिक इक्विपमेंट चीज़ें चाहिए क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपने सिर्फ़ उस कंपनी की चीज़ें लेनी है जो उस मार्केट में बहुत साल से हैं क्यों क्योंकि अगर कोई ख़राब होती चीज़ आपने जो ली है उसका कोई बैकअप तो किसी को पता तो कि भाई इसको कैसे ठीक करना है और जिन लोगों ने पहले से वो ली हुई है वो आपको बता दें कि भाई ये बंदा ठीक करता है ये चीज़ इस कंपनी की अच्छी है ये नहीं है वरना आपको कोई ना कोई चूना लगा देगा किसी ना किसी चीज पे कि मतलब फॉर एग्जांपल लेंगे सर ये हमारा ऑटोक्लेव है ये बहुत जबरदस्त नया सिस्टम आया है इसके अंदर ब्लूटूथ एमपी थ्री प्लेयर के अंदर भी फिट है इसके अंदर जब तक वो स्टेलाइज हो रहा है आप साथ में डांस भी कर सकते हैं म्यूजिक सुन सकते हैं पता चला एक साल बाद जो है वो आप सिर्फ गाने सुन रहे हैं ऑटो क्लेव नहीं चल रहा है बी टाइप ऑटो क्लेव लेना है आपको जो दो एक लाख का नया मिल जाता है चाइनीज लें कोरियन लें कोई फर्क नहीं पड़ता और सारों चलता है एक्सरे मशीन दो तरह की आती है एक वॉल माउंटेड आती है और एक पोर्टेबल आती है दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट एक ही है वन सेवेंटी फाइव से टू फिफ्टी के तक का आपको वो मिलेगा कभी कभार थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है वॉल माउंटेड जो है लेकिन अगर आपके बजट पे आता है तो आई वुड रिकमेंड के क्लिनिक स्टार्ट ही आप डिजिटल इमेजिंग से करें उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए एक एक्सरे की मशीन चाहिए और एक सेंसर चाहिए अब वो दो तरह के आते हैं एक तार वाला आता है जो आता है अबाउट थ्री टू थ्री के का और एक वायरलेस आता है जो छह से सात लाख तक का आता है अगर इतने पैसे भी नहीं तो जरूरी नहीं आप अभी ये ले नॉर्मल वाले एक्सरे ले लें, लें मैनुअल उससे भी काम चल जाएगा डेंटल चेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके क्लिनिक की वो एक लाख से शुरू होती है और जाती है तीस पैंतीस लाख तक आपने कौन से लेनी वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है अगर बिल्कुल बेसिक रखनी है तो दो ढाई लाख की नई चेयर आ जाती है जो कोरियन की हो या चाइनीज की हो वह वो काफी साल चलती है जब पैसे है आपके पास तो और कंफर्टेबल वाली चेयर ले लीजिएगा वरना आपके लिए मैं और आसान कर देता हूँ जो बिल्कुल बेसिक है वो कोई डेढ़ दो तक की आएगी जो काफ़ी डिसेंट है मतलब आप देखने में भी प्यारी है वो और यूज़ करने में भी अच्छी है वो मिलेगी आपको फोर या फाइव के करीब की उससे ऊपर दस से भी ऊपर चलेंगे तो आपको एक्सेलेंट किस्म की मिल जाएगी सक्शन मशीन भी दो तरह की आती है एक नॉर्मल सी होती है वो कोई चालीस पचास तक की मिल जाती है आपको और एक हाई स्पीड मोटराइज सक्शन होती है वो मिलती है आपको कोई एक से डेढ़ लाख इंस्ट्रूमेंट्स कौन से लेने सबसे पहले वो इंस्ट्रूमेंट्स लेने जो बेसिक डेंटिस्टी के लिए हैं इम्प्लांट की किट नहीं अब इसमें भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आती हैं ढाई सौ रुपये का डायग्नोसिस सेट से लेके ढाई तीन हज़ार रुपये का डायग्नोसिस सेट भी आता है अगर आपने बेसिक की तरफ जाना है तो कोई भी बेसिक जो एंटी रस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हो वो ले लें आप मैं रिकमेंड करता हूँ थोड़ी बेहतर क्वालिटी की यूज़ करें क्योंकि ये रोज़ यूज़ होंगे ये रोज़ धुलेंगे ये रोज़ ऑटोक्लेव होंगे खराब ना हो जल्दी लेकिन डिस्पोजेबल वाले आइटम्स हैं वो बहुत मैन्युफैक्चर बना रहे हैं और बहुत सस्ती मिल जाती हैं और अगर आप उनसे डील लेंगे या बल्क में चीज़ें लेंगे तो वो आपको और भी सस्ता दे देंगे अगर फिलिंग्स की बात कर रहे हैं तो बहुत महंगी वाली फिलिंग्स भी आती हैं थ्री एम और डेंसप्लाई वगैरह हैं फिर थोड़ी लेस एक्सपेंसिव वाली आती हैं फिर कॉपीज़ आती हैं कॉपीज़ तो हटा दें बिल्कुल कोई भी लेस एक्सपेंसिव वाली या आपने टॉप ऑफ द लाइन वाली लेनी है वो ले सकते हैं आप एक बात याद रखें लेकिन अगर इतनी महंगी वाली आप कॉम्पोजिट या चीज़ें लेंगे फिर उतनी महंगी ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी और शुरू में पेशेंट आ नहीं रहे तो थोड़ी कम पैसों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो या तो प्रॉफिट कम कर लें अपना या थोड़ी कम महंगी वाली कॉम्पोजिट ले लें इमरजेंसी ड्रग्स देखिए मैंने अलग से एडिंग इसलिए बनाई है क्योंकि हम बहुत दफ़ा इसको ओवरलोड कर जाते हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ ये ऑलमोस्ट फ्री की दवाई हैं लेकिन इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है अगर आप इंसानों पे काम कर रहे हैं तो एक क्लोजेट के अंदर फुली स्टैक्ड और नॉन एक्सपायर्ड दवाइयाँ हर वक्त मौजूद होनी चाहिए कॉम्परेंट असिस्टेंट मैं उतना ही अच्छा काम कर सकता हूँ उतनी स्पीड से ही काम कर सकता हूँ जितना मेरा असिस्टेंट अगर एक असिस्टेंट आपके पास है जो ट्रेंड है जो एक्सपीरियंसड है तो आपका काम बहुत एफिशेंट हो जाता है असिस्टेंट को भी मेडिकल इमरजेंसीज का पता होना चाहिए ताकि अल्लाह ना करे कुछ हो आप और वो दोनों एक ही पेज पे हो ये ना एक दूसरे की शक्लें देख रहे हो असिस्टेंट आपका क्लिनिक संभालता है असिस्टेंट्स के अलावा पेशेंट रिकॉर्ड कीपिंग वो रखता है आपको बताता है इन्वेंट्री में क्या है क्या नहीं है पेशेंट्स को एक्सपीरियंस अच्छा देने में बहुत मदद करता है तो एक अच्छा असिस्टेंट जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं बहुत ज़रूरी है देखें शुरू में भी सारे काम आप खुद नहीं कर सकते होंगे और बाद में भी आप कुछ काम करना नहीं चाहते होंगे तो उस चीज़ का आप स्पेशलिस्ट हायर कर सकते हैं हायर का मतलब ये है कि जब भी वो पेशेंट आएगा आप स्पेशलिस्ट को कॉल करेंगे क्लिनिक पर आएगा स्पेशलिस्ट वो पेशेंट करेगा कुछ पैसे जो हैं वो स्पेशलिस्ट को मिल जाएंगे कुछ पैसे क्लिनिक को मिल जाएंगे लाइफ इज़ गुड और क्योंकि स्पेशलिस्ट आई तब रहे जब पेशेंट है तो आपको कोई कॉन्स्टेंट सैलरी नहीं देनी हर साल लोकल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती हैं और उनके अंदर ट्रेड एग्जीबिशन भी होते हैं उसमें पूरी दुनिया पहुँची होती है सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स पहुंचे होते हैं क्योंकि चीज़ें वहां सस्ती मिल रही हैं वो बल्क में लेते हैं और सस्ती मिलती हैं और पूरे साल चलती हैं फॉर एग्जाम्पल एडे के कॉन्फ्रेंस है दुबई में होती है हर साल इस बार भी थी थ्री एम की जो फिलिंग यहाँ पाँच हज़ार की मिल रही थी वहां ढाई हज़ार रुपये का एक शेड मिल रहा था यहाँ ओरिजिनल हैंड पीस चालीस से पैंतालीस हज़ार रुपये तक के मिल रहे थे वही चीज़ वहां जाके जब देखी तो वहां पंद्रह से बीस हज़ार रुपये की मिल रही थी इसी तरह दुनिया में और बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं और सब में ट्रेड शो में डिस्काउंट मिलता है इस तरह आपने क्वालिटी चीजें ले ली और कम पैसों में और पेशेंट्स को क्या फायदा हुआ कि उनके ट्रीटमेंट के पैसे थोड़े कम हो गए जो आपको शुरू में करना पड़ता है आखिरी बात पहले साल हर बंदे ने क्लिनिक पर मक्खियां मारी हैं मोस्ट प्रॉबली आप भी मक्खियां मारेंगे तो टेंशन ना लें आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट फ्लो बनता है लेकिन अगर पहले ही दिन क्लिनिक खोलेंगे और सोचेंगे जी चालीस हज़ार रुपये पर दांत का विनियर मैं लगा दूं पेशेंट को या छः हज़ार रुपये की फिलिंग कर लूं तो पेशेंट आपके पास को आएगा नहीं और आप कहेंगे डेंटिस्ट ही है बट फिकर ना करें आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग